नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मिंग हेल्प चैनल में। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो 24 मार्च को जींद में बरसोड़ा गांव में जो कंपटीशन हुआ था, मुर्रा एसोसिएशन के द्वारा जो कंपटीशन आयोजित किया गया था या पशु मेला आयोजित किया गया था, उसमें जो मिल्क ब्यूटी का कंपटीशन था वो आप वीडियो में देख सकते हैं। इसमें देखिए अलग अलग भैंसों को यहाँ लाया जा रहा है, ध्यान से देखिए, और जज कमेटी इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर करते हुए उनको अपने ध्यान से गौर से निरीक्षण करते हुए, इसमें जितनी भी भैंसें आई हुई थी सभी लगभग एक से बढ़कर एक भैंस थी। और कुछ लोग पूछते रहते हैं या देखते हैं कि मुर्रा भैंस कैसी होती है, तो आप एक ज़बरदस्त यूनिट या ज़बरदस्त मुर्रा क्लास को इस वीडियो में देख सकते हैं। ये देखिए, इसमें सभी भैंसें लगभग ब्रीडर्स या बड़े बड़े ब्रीडर की थी और कुछ एक भैंसें आम पशुपालक की भी थी। इसमें सुखवीर भाई लिताणी वाले, रमेश धांसू और देवेंद्र कोच की भी भैंस लगी हुई थी, वेद अलीपुरा की भी भैंस इसमें लगी हुई थी। और आप देख सकते हैं जज साहब अपने अनुसार इन भैंसों को सेट करते हुए, इसमें भैंसों को उनकी पोजीशन के हिसाब से या उनके गुण दोषों को ध्यान से देखते हुए उनका निरीक्षण कर रहे हैं। ये देखिए, इस भैंस की पूंछ को जज साहब देख रहे हैं कि वाइट मार्क्स हैं जो लिमिट से ज़्यादा तो नहीं है या किसी भी और प्रकार का कोई डिफेक्ट तो नहीं है। ये आगे दूसरी एक भैंस का निरीक्षण कर रहे हैं, ये जो आपको सामने सफ़ेद टोपी में दिख रहे हैं जज हैं, ये जज साहब हैं ये। ये देखिए बड़े गौर से निरीक्षण करते हुए, और यहाँ पर एक से बढ़कर एक शानदार भैंसें जो इस कंपटीशन में लगी हुई हैं, सभी लगभग टॉप बफलो ही मानी जाएंगी। इसमें जो भैंस कंपीट करती हैं वो सभी उसके ब्रीड करैक्टर, उसकी शो क्वालिटी और उसके गुण दोष लगभग सभी प्रकार के देखे जाते हैं जजेज के द्वारा, और तभी उसको प्राइज मतलब पोजीशन दी जाती है। और इन भैंसों की शो क्वालिटी को आप देख सकते हैं, एक से बढ़कर एक गजब की मुर्रा भैंसें जो इस कंपटीशन में लगाई गई हैं, सभी लगभग बहुत ही शानदार हैं। और ये देखिए बहुत ही शानदार कंपटीशन चलता हुआ, और कुछ ही देर में लगभग फाइनल होने ही वाला है कि किस भैंस को फर्स्ट पोजीशन पे रखा जाए। जजेज के द्वारा निर्णय जल्द ही आने वाला है, इसमें आप कुछ ही देर में जान पाएंगे। ये देखिए फाइनल कर दिया गया है, ये जो भैंस है मुंडलाना गांव से है जिसने फर्स्ट प्राइज है, और इसको लाल फूल देकर सम्मानित करते हुए इसमें फर्स्ट प्राइज का इनाम इस भैंस को दिया जाएगा और इसको सम्मानित किया गया है। जो इनाम की राशि होगी उसे फर्स्ट इनाम की राशि इसके ओनर को दी जाएगी। इस भैंस को नंबर वन कैटेगरी मिल्क ब्यूटी में माना गया है, फर्स्ट पोजीशन पे माना गया है। ये देखिए, और ये बहुत ही शानदार क्वालिटी की भैंस को आप देख रहे हैं, इसने फर्स्ट प्राइज हासिल किया है। और इसके बाद ये जो भैंस जा रही है
जिसको सफ़ेद बैज दिया गया है, इनको कॉन्सोलेशन प्राइज में रखा गया है, यानी थर्ड के बाद फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स नंबर पे इनको ये सफ़ेद बैज दिया जाता है। इनको सांत्वना पुरस्कार भी कहा जाता है, इनको सांत्वना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो एक बार लास्ट वार्निंग भाई, जो रिंग नंबर एक में सांड फंसा था वो रिंग में लिया है, वरना सचिन अपने आप चैंपियनशिप में किसी को भी चैंपियन बना देंगे। कौन सा काम था भाई? सामन पुट्टी मैम दूर है, चौथे नंबर पाई है। हाँ चौथा नंबर यूट्यूब चैनल कौन सा है? फार्मिंग हेल्प दूध कितना भाई इसका? दूध 23-24 किलो। ये काटी कौन सी सीमन की है? काटा के काटी है यो M29 का। M29 का गांव कौन सा जी? सनी